भगवान से प्रार्थना यही करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार सब लोग मेरे साथ बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हम भगवान को ना भूलें, बस ये हमें प्रार्थना भगवान के चरणों में करनी चाहिए। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। भगवान की बड़ी कृपा है आप पर कि आप लोग वृंदावन की पावन धरती पर बैठकर श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान, लोग कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते। किसी को बहुत पैसा मिल जाए और किसी को भगवत प्रेम मिल जाए, एक तरफ किसी को बहुत सारा पैसा मिल जाए और दूसरी तरफ किसी को भगवान का प्रेम मिल जाए, किसी की आंखों में भगवान के लिए आंसू आ रहे हैं, कोई भगवान के लिए रो रहा हो, तो आप बताइए इन दोनों में से भगवान की कृपा किस पर हुई है? जैसे बहुत पैसा मिल गया वो भगवान की कृपा का पात्र है, या जैसे भगवान की भक्ति और प्रेम मिल गया वो भगवान की कृपा का पात्र है? आप लोगों का गणित क्या कहता है? लोगों को लगता है हमारे पास बहुत पैसा है मतलब भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। आप कृपा की व्याख्या ही गलत करते हो। भगवान, बहुत पैसा होना भगवान की कृपा नहीं है। बहुत पैसा तो वैश्य के पास भी हो सकता है, क्यों जी नहीं हो सकता? आपसे ज्यादा पैसा वैश्याओं के पास होता है। तो भगवान की कृपा जब होती है तो पैसा नहीं, पैसा तो भाग्य का खेल है साहब। आपने पुण्य किया होगा धन मिलेगा। भगवान की कृपा से पैसा नहीं मिलता, भगवान की कृपा से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, भगवान के चरणों में प्रेम मिलता है। यदि आपका मन भगवान में लग गया या लगा है, या आपको भगवान की याद ज्यादा आती है, मतलब आप पर भगवान की कृपा है इसलिए याद आती है, वरना कृपा नहीं है तो लोगों को ना दिन को याद आती ना रात को याद आती। भगवान के लिए आंसू नहीं निकल रहे हैं इसका मतलब भगवान की कृपा नहीं है।